हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम 9th क्लास का 14.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ कितने तरह के हैं। सो इस साल हमारे ग्राफ दो तरह के जो हमने पढ़ने हैं, बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम ग्राफ। लाइन ग्राफ अब हमारे सिलेबस में नहीं है, सो इस वीडियो में हम लोग लाइन ग्राफ डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ बार ग्राफ और हिस्टोग्राम ग्राफ ही डिस्कस करेंगे। अगर किसी ग्राफ के अंदर इस तरह गैप हो, ठीक है, अगर गैप के साथ कोई ग्राफ बना रहे हैं तो उसे बोला जाता है बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ के ऑलवेज एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिखना है, कोई भी कैटेगरी लिखनी है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको यहाँ पर कंट्रीज शो करी है, यहाँ पर कोई भी लेडीज़ या फीमेल्स ऐसे नाम भी हो सकते हैं। मान लीजिए क्लास में नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, नाम से उनको बता सकते हैं इस लड़की का इतने परसेंट आए हैं, इस सेकंड पूजा के इतने नंबर आए हैं, हरप्रीत के इतने नंबर आए हैं। मतलब कि आपको नेम के साथ परसेंटेज भी गिवन हो सकती है। कौन कौन सी सिटी में कितनी बोल सकते हैं कि बीमारी फैली हुई है, ऐसा तो कोई भी आपको डाटा मिल सकता है। मतलब नीचे आपने क्या लिखना है, मेन डाटा कैटेगरी लिखनी है। उसके बाद वाई एक्सिस पे आपको क्या लिखना है, रेंज। मतलब आपको जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दी है वो आपने वाई एक्सिस पर लिखनी है। अगर इस तरह का आप ग्राफ बनाओगे तो वो आपका बनेगा बार ग्राफ। क्लियर हो गया। सेकेंड वन है हिस्टोग्राम ग्राफ। हिस्टोग्राम ग्राफ ध्यान से देखिए, एक के साथ सेकंड जुड़ गया, सेकंड के साथ थर्ड जुड़ गया, मतलब इसमें कोई भी गैप नहीं है। अगर गैप नहीं होगा, एरो डालकर यहाँ पर लिखा है नो गैप, अगर गैप नहीं होगा तो इस ग्राफ को बोला जाता है हिस्टोग्राम ग्राफ। अब इसमें रेंज गिवन है, फॉर एग्जांपल 10 से लेके 20 तक 30 की रेंज है। सो हमने 10 से लेके 20 तक, ये रहा 10 से लेके 20 तक, इसकी वैल्यू कितनी है 30। फिर बोला जाता है कि 20 से लेके 30 तक वैल्यू कितनी है 50, ठीक है, देन 30 से लेके 40 तक वैल्यू कितनी है आपकी 80। सो इस तरह से अगर आपको इस तरह की कोई भी वैल्यू गिवन हो, उसका ग्राफ हम इस तरीके से बनाएंगे, इसे हम हिस्टोग्राम ग्राफ बोलते हैं। क्लियर हो गया। सो हम 14.3 का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्वे कंडक्ट बाय अ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन द एज ऑफ 15 to 44 इन ईयर्स वर्ल्ड वाइड फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स। सो हमें नीचे एक डाटा गिवन है, सो डाटा आप सबको दिख रहा है, ठीक है। इस तरह से उन्होंने फीमेल कि जो कब डेथ हुई या उसके बारे में बताया गया है। फॉर एग्जांपल, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस में जितनी लेडीज़ की डेथ हुई है वो कितनी है, 31.8% लेडीज़ की। इसका मतलब आपने क्या देखना है, सबसे कम रेंज कितनी है 4.1 और सबसे ज़्यादा, सबसे मैक्सिमम रेंज कितनी है 31.8। इसका मतलब आपने जब ग्राफ बनाना है किस तरीके से बनाओगे, इस तरीके से आपको वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। सो क्या करना है, एक्स एक्सिस पर हमें ये वाली वैल्यूज़ लिखनी है और वाई एक्सिस पे हमें ये वाली वैल्यूज़ लिखनी है। कम से कम हमें 4 चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें 31 चाहिए। सो इट्स योर विश, आप 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 इस तरीके से भी आप रेंज लिख सकते हैं, या फिर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 तक भी आप वैल्यूज़ लिख सकते हैं। जैसे आपको इजी लगता है आप उस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए, उन्होंने बोला है रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। सो सबसे पहले तो आपको ग्राफ बनाना है, फर्स्ट पॉइंट हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। सो सेकंड एंड थर्ड पॉइंट हम बाद में करते हैं, लेकिन फर्स्ट उन्होंने क्या बोला है कि ग्राफ बनाना है। सबसे पहले आप एक ग्राफ पेपर ले लो, ग्रीन कलर का ग्राफ पेपर ले लो, ग्राफ के ऊपर आपको सारा पेंसिल के साथ ही ड्रॉ करना है। सो मस्ट यूज़ पेंसिल, स्केल, रेजर, ग्राफ पेपर, ओके। अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है सो आप बार ग्राफ या हिस्टोग्राम ग्राफ को अपनी कॉपी पर भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन कॉपी पर फिर केयरफुली ड्रॉ करना। अदरवाइज़ अगर आपके पास ग्राफ है तो ग्राफ पर ड्रॉ करो तो इट्स बेटर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मान लीजिए आपके पास इस तरह का एक ग्राफ है, ठीक है। सो आपने क्या करना है,
सबसे पहले इस तरफ लाइन ले, ठीक है। अब इस तरफ प्रॉपर एक लाइन ले लीजिए, ठीक है। सो आपने क्या करना है, 0 से लेके 35 तक की रीडिंग लिखनी है। सो स्टार्ट करेंगे 0, 0 के बाद 5, नेक्स्ट 10, 15, 20, 25, 30 और 35, ठीक है। जो इंटरवल लेना है वो आपकी मर्जी है, आप 4, 8, 12 का भी ले सकते हो, जैसे आपको इजी लगता है आप वैसे अपना ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अब फर्स्ट क्या बोला है, रिप्रोडक्टिव उन्होंने कितना बोला है, 31.8। इसका मतलब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, 31.8 मतलब 30 के बाद ये वाला छोटा सा एक बॉक्स कितना है, 31। ध्यान से देखिए एक बॉक्स के अंदर कितनी लाइंस है, 1, 2, 3, 4। इसका मतलब इसमें फर्दर 5 पार्ट्स है, 4 के बाद ये वाली लाइन की आ जाएगी 5। हमें चाहिए 31.8। 31.8 मतलब आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो 32 ही आ जाएगा। इसका मतलब आप 32 पर लगा सकते हो यहाँ तक, ठीक है। सो इस तरीके से आप अपना इजीली ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। और इसके बिल्कुल ऊपर क्या लिख देना है, 31.8, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपने क्या लिखना है, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, यहाँ पर अपने लिखना है रिप्रोडक्टिव, पूरी अपनी लाइन लिखनी है। सो अपने ग्राफ पर आप साइड पर या नीचे की तरफ भी इसको लिख सकते हो, या फिर इस पूरे बॉक्स के अंदर लिख दो, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर लिख दो। नेक्स्ट कितनी है, नेक्स्ट रीडिंग है 25.4। सो 25.4 मतलब आप 25 से थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, ठीक है। सो नेक्स्ट कितना है, 25.4। सो 25 के थोड़ा सा ऊपर ले जाओ इस तरीके से। सो यहाँ पे आप रीडिंग लिख सकते हो 25.4। नेक्स्ट कितना है, 12.4। 12.4 मतलब ये रहा 10, 11, 12। सो 12 तक ही लगा दो, ये आपका बन गया 12.4। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है 4.3। 4.3 मतलब 5 से थोड़ा सा नीचे लेके आना है। सो दिस इज 4.3। अब 4.3 हमारे पास है, सो नेक्स्ट है 4.1। 4.1 मतलब 4.3 से थोड़ा सा छोटा बना दो, थोड़ा सा, ठीक है। सो दिस इज 4.1। नेक्स्ट है 22। सो 22 को कैसे बनाएंगे, 20 से थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, 21, 22। सो ये रहा आपका 22.0। सो इस तरीके से आपका जो फर्स्ट ग्राफ है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। फाइनली आपका ग्राफ कुछ इस तरह का बन जाएगा। क्लियर हो गया, बिल्कुल नीट एंड क्लीन ग्राफ होना चाहिए। सो मैंने पेंसिल और स्केल नहीं यूज़ किया, रैंडमली आपको फ्री हैंड से ही बताया है। सो आपने प्रॉपर पेंसिल स्केल यूज़ करना है और प्रॉपर इस तरीके का नीट एंड क्लीन ग्राफ होना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट उन्होंने वैल्यूज़ पूछी हैं, क्वेश्चंस पूछे हैं, सो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो बच्चों, फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर है, रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली, हमने ग्राफ बना लिया। सेकेंड है, विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्क वर्ल्ड वाइड। सो अपना ग्राफ चेक करिए, सबसे ज़्यादा बड़ी जो ग्राफ है वो किसका है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज़ का। इसका मतलब उसकी वजह से जिसकी रीडिंग 31.8 आ रही है, इसका मतलब उसकी वजह से जो लेडीज़ है वो ज़्यादा उनकी डेथ हुई है, ठीक है। सो इसका आंसर सिंपल फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज़। थर्ड बोला है, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, मतलब मेरी हेल्प से आपने ये क्वेश्चन करना है, एनी टू फैक्टर्स विच प्ले अ मेजर रोल इन द कॉज इन अबव बींग द मेजर कॉज आपके अकॉर्डिंगली। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। आप मान लीजिए कि मैं आपके बिल्कुल सामने बैठी हूँ और आप खुद डिस्कस इसके बारे में थोड़ा सा सोचें कि क्यों लेडीज़ की डेथ हो गई, क्यों उनको उनको प्रॉब्लम्स आई, या हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका मतलब या तो उनको घर पर अच्छे से केयर नहीं हुई उनकी, ठीक है, या किसी ने उनकी बीमारी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, वो अपने घर के काम में ही बिजी रही। सो फर्स्ट पॉइंट आ सकता है लैक ऑफ केयर, कि उनको केयर ही नहीं मिली, लैक ऑफ केयर।
सो सेकंड हो सकता है कि उनको प्रॉपर वे से मेडिसिन ही प्रोवाइड ना हुई हो, ठीक है, किसी गांव में रहती हो या फिर शहर में भी, अगर सिटी में भी रह रही है, लेकिन उनको प्रॉपर वे से मेडिसिन प्रोवाइड नहीं की गई जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई, ठीक है। सो लैक ऑफ मेडिकल, मेडिसिन लिख सकते हो लैक ऑफ मेडिसिन, ठीक है। सो मेडिसिन की वजह से उनकी डेथ हो गई। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सो सेकंड क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें और ट्राई करके देखें, अगर किसी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो सेकंड क्वेश्चन आप खुद ट्राई करके देखें। थैंक यू सो मच।